जो मुझे यहाँ पर खाना मुझे दे रहे, मैं मना किया फिर भी मुझे दे, थैंक यू, धन्यवाद गाइस। मुझे जोर जोर थी भाई लोग मुझे पकड़ के लाए खाने के लिए। यहाँ पर फिलहाल अभी तो ऑलमोस्ट कोई नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सुनसान लगा मुझे, हल्का हल्का से थोड़ा हाथ लगने लगा क्योंकि यहाँ पर साइड जो तालाब है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस मैं हूँ फिलहाल मेरे होस्ट के घर में और आज मैं निकलने वाला हूँ, यहाँ से निकल के मैं बोरीशल की तरफ जाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं तीन चार दिन से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरे बैकपैक हो गए, दोनों मेरे बैकपैक हैं और बाकी पंछियों के साथ मैं रह रहा था, सबको मैं मिस करूँगा। और बाकी लाइट अभी चला गया इसलिए थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। सो गाइस अभी टाइम हो गया बाय करने का मेरे होस्ट जो रॉनी भाई है, तो रॉनी भाई थोड़ा तबीयत ख़राब है, ये दो तीन दिन से बहुत हेडेक चल रहा है उनका। और रॉनी भाई से मुझे पैरा से मुझे गिफ्ट मिला है, तो थैंक यू सो मच रॉनी भाई, और कभी भी इंडिया में आओ तो मुझे एक बार कॉल मिला ना। श्योर श्योर, आई लव टू होस्ट यू। ओके बाय बाय, चलते बाय। सो मेरा बैग तक ले लेते और चलते रुपशा ब्रिज ना। अरे सॉरी, सो चलते आगे एंड आओ। शिट, कोई कोई सो आज से मेरा सफ़र कुछ अलग होगा, मैं आज जा रहा हूँ बोरीशाल, यहाँ से अराउंड 104 किलोमीटर है बोरीशाल, और मैं हिचाइक करने के लिए ट्राई करूँगा आज। सो गाइस मैं आ चुका हूँ मेरे होस्ट के घर से, एक ऑटो पकड़ के, और यहाँ से अराउंड मेरे होस्ट के घर से ये जो घाट है, इस घाट का नाम है रूपशा घाट, इस घाट का नाम है रूपशा घाट, और यहाँ से मुझे उस पार जाना है, उस पर जाके वहाँ से मुझे हिचाइक शुरू करना है बोरीशाल के लिए। और बाकी मुझे यहाँ पर 2 रुपया 2 टाका मुझे पे करना पड़ा इस घाट को क्रॉस करने के लिए। और जो मेरे होस्ट के घर से मैंने यहाँ पर 5 किलोमीटर में ई रिक्शा से आया, उसके लिए मुझे 20 टाका मुझे पे करना पड़ा। बाकी ऐसा है कुछ माहौल यहाँ का, भाई समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि एक साथ 4-5 नाव लगा रहा है, कोई उठ रहा है कोई उतर रहे, देखो कुछ पता नहीं चल रहा है, बैक टू बैक नाव लग रहे हैं। बाकी जो रिवर का नाम है वो है रूपसा रिवर। सो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए इस बार। हाँ आ गया मैं इस पर, पता नहीं इस साइड को घाट को क्या बोलते हैं, बट मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा बागेर हाट। बागेर हाट टाइम ना किलो किलो ताओ कोई 30 किलो तो क्या है। यहाँ पर एक मैं जाऊँगा बागेर हाट जो यहाँ से 35 किलोमीटर है जो भैया बोल रहे थे अभी, तो चलते हैं आज हिचाइक शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं। ये बस जा रहा है बागेर हाट के लिए, बट मैं नहीं जाने वाला, मैं आज हिचाइक के लिए ट्राई करूँगा। सो बस लकीली मुझे चाइक मुझे लिफ्ट मिल गया, ये है अंकल, और मैं यहाँ पर खड़ा था बहुत टाइम से, तो अंकल मुझे देख के वो सॉरी मुझे बोले कि आप मेरे साथ चलो, मैं आगे छोड़ देता हूँ। और एक अंकल है वो जो मुझे यहाँ पर खाना मुझे दे रहे, मैं मना किया फिर भी मुझे दे, थैंक यू धन्यवाद। बहुत लोग बहुत अच्छे, नेक्स्ट मतलब सुपर नेक्स्ट लेवल के फ्रेंडली है यहाँ के लोग। सो चलते आगे। अब चाचा अस्सी इधर हैं, धन्यवाद। यहाँ पर इसको वैन बोला जाता है, वैन में पहला लिप माला इसका, अच्छा लग रहा है पहला दिन ईचाई का, और ऐसा कुछ है माहौल, थोड़ा ह्यूमिडिटी है बट बहुत अच्छा लग रहा है। अकेले यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास जाएँ, कोई नहीं पहला लिफ्ट है, खुश हूँ बहुत मैं। इसे बोलते हैं असली एडवेंचर, बहुत मज़ा आ रहा है।
थैंक यू, मुझे एक किलोमीटर को दो किलोमीटर पहले आ चुके हैं अंकल, थैंक यू, आस्ते हैं, धन्यवाद। सो मुझे आगे जाना है, मुझे एक किलो बोल, एक किलो यहाँ पर एक किलोमीटर को बोलते हैं, एक किलो ऐसे बोलते हैं। और हाँ, मुझे यहाँ से अराउंड और भी बाकी रह गया अराउंड 30-32 किलोमीटर के आसपास। कोई नहीं, छोटा छोटा करके धीरे धीरे मिलते जाएंगे लोग। लिफ्ट हिचहाइकिंग का जो टर्म्स है उनको समझ में थोड़ा लेट हो रहा है, और इंडिया में भी वैसा है, मतलब नॉर्मली आप बोल सकते हो कि इंडिया में भी ऐसा है, हिचहाइकिंग इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है ऐसे बोल सकते हो। तो दो लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं चीज़ों को, और बाकी लोकेशन बहुत अच्छा है। और अभी धूप थोड़ा कम हो गया तो इसलिए मैं चल पा रहा नहीं था, अभी तक बहुत ज़्यादा धूप था। तो थोड़ी देर दूर जाके हम ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चौक है, चौक से मिलना बहुत मुश्किल है। एक साइड में जाऊँगा तो मुझे ईजी होगी हिचहाइक के लिए। अभी टाइम हो चुका है 12 बजे, और सुबह से मैं कुछ खा के नहीं निकला था, और मैं यहाँ पर फ़िलहाल बैठा हूँ, थोड़ा थक सा गया हूँ, इसलिए मैंने बैकपैक वगैरह यहाँ पर रखे। और जो चाचा मुझे कुछ देर पहले आपने देखे थे, खाना मुझे दिए थे चाचा, वो ब्रेकफास्ट अभी कर लेते, उसके बाद फिर से कोशिश करते हैं हिचहाइकिंग के लिए। जो फाइनली मुझे मिल गया, मुझे लिफ्ट बस में लिफ्ट, बस टाइम में मतलब महाराष्ट्र में बस में मुझे लिफ्ट मिल गया, ये देख सकते हो। और यहाँ से मैं जहाँ पर आज जाने वाला हूँ वो बागेहाट हो, यहाँ से अराउंड 22 किलोमीटर के आसपास है, और काफ़ी खुश हूँ मैं। थोड़ा निराश था इसलिए क्योंकि मैं सोच रहा था कि सुबह से मुझे सर लिफ्ट नहीं मिलेगा, पिछले 2 घंटे से मैं वहाँ पर वेट कर रहा था, और 2 घंटे बाद फाइनली मुझे मिल गया, वो भी बस में। और बाहर का कुछ नज़ारा दिखा दो आपके। अभी मैं हूँ बागेहाट बस स्टेशन पे, और मुझे तकरीबन 1 घंटे के आसपास लगा मुझे आने में, और मैं बस में सो गया था। बस वाले कंडक्टर मुझे बुलाओ तो उठा के बुला के मुझे उठाए। और अभी मुझे जाना है माझेव करके एक जगह है, यहाँ पर बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ से अराउंड 6-7 किलोमीटर शो कर रहा है, तो आज मुझे वहाँ पर जाना है, वहाँ को एक्सप्लोर करना है। और धूप बहुत है। सो गाइस, फिलहाल मैं आ चुका हूँ माझेर, एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, मैं हिस्ट्री आपको देख के बता दूँगा विकिपीडिया से। और ये कुछ गेटवे, इसके अंदर से एंटर करना पड़ता है। मैं वहाँ से जो उस बस स्टैंड से मैं एक लिफ्ट मांग के आया हूँ, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि पीछे वाला बैग था बड़ा वाला, आगे वाला तो मैं मतलब कैमरा पकड़ ही नहीं पाया, तो इसके लिए सॉरी। और बाकी रोड बहुत अच्छा था जिस रोड से मैं आ रहा था, उस बस स्टैंड से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 8 किलोमीटर है, और ऐसा कुछ है बहुत ही एक टॉम जैसा है। और चलते हैं अंदर, और यहाँ पर मैं पूछ रहा था इसके अंदर एक यहाँ पर क्रोकोडाइल यहाँ का रिजर्व करके रखा जाता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम वो दिखाई देता है, चलते हो देखते हैं कैसा है। तो इस लेक में क्रोकोडाइल दिखता है। बहुत टाइम से मैं यहाँ पर बैठा था, तो यहाँ पर लोकल कुछ भाई ये लोग मेरे से और बहुत टाइम बात किया, मैं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था कि यहाँ के किस लिए बने हैं वो जो भी है, तो बहुत ही सुपर फ्रेंडली, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ के लोग जो यहाँ के लोकल्स है। भाई आपका नाम?
शाजिद भाई आपका? सब्बीर अहमद है। मेरा अब्दुलरहमान है। अब्दुलरहमान, तो भाई लोग से मैं बात कर रहा था और अभी भाई लोग मुझे ऑफर की कि यहाँ पर रुकने के लिए, मैं प्लानिंग कर रहा था कि यहाँ पर रुकने के लिए रात को स्टे करने के लिए, एक जगह भी ढूंढ रहा था, तो थैंक यू भाई कि मुझे यहाँ पर रुकने के लिए देने के लिए। और बाकी मैं अभी जाऊँगा कुछ लंच करने के बाद जाएँ यहाँ पर, फिर से मैं आऊँगा। उसके बाद जो जो हिस्ट्री है मैं धीरे धीरे बता दूँगा कि मेरे को नॉलेज नहीं है और विकीपीडिया में भी चेक कर रहा था, इतने सारे वहाँ पर डाटा नहीं है, तो सब्बीर भाई मुझे थोड़ा बता देंगे उसके बाद। तो मिलते हैं लंच करके, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस मुझे जोर जबरदस्ती भाई लोग मुझे पकड़ के लाए खाने के लिए, मैं मना कर रहा हूँ फिर भी, तो यहाँ पर ये लोग परेशान हो रहे कि मैं वेज खाऊँगा, मैं नॉन वेज, आपको पता है कि ये बांग्लादेश में मोस्टली मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर मुस्लिम, बट वो मुझे बोल रहे कि आप लोग, मैं इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप नॉन वेज कुछ भी खा लो या तो जो भी हमारे हिंदू में चलता है। बाकी गए भाई खाना देखने, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई नहीं चलेगा। आप हमारा मेहमान है आपको। अरे भाई यार ये बंदा हमारा फर्ज है, मेरे इतना परेशान हो रहा है भाई। आप सोच सकते हो कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, मैं कभी सोचा नहीं था। घर से जब तक आप नहीं निकलोगे इस तरीके एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाओगे। मैं इतना बोलूँगा कि आप ट्राई करो कि एटलीस्ट एक देश या तो अपने घर से निकलो, तब जाके ये सब चीज़ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि घर बैठे बैठे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जानने को, आप बस देखते रहोगे, बस कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो बस आई विश अगर आप जितने लोगों से मिलोगी ना, जितना लोगों से आप मिलोगी उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो मतलब वो कैसा है कुछ क्या है। वही चीज़ ही बोल रहा हूँ। सो भाई खाना मेरा आ चुका है भाई ने, ये दाल है, ये ऑमलेट है, उसके बाद ये आलू भरता लास्ट टाइम मैंने खाया था आलू भरता, एक चावल है। और ये भाई लोग मतलब क्या बोलूँ, इतना पागल है, ये लोग नहीं खाएंगे, मुझे बोल रहे आप लोग खाओ, मैं घर से खा के आऊँ। हम लोग इंडिया जाएंगे तब आपके घर में जाके हम लोग खाएंगे। हम लोगों के इंडिया जाने के प्लान भी है, हम लोग पाकिस्तान जानते हैं, हम लोग को NID कार्ड रेडी नहीं हुए इसके लिए। हम लोग খানা শুরু করতো অকেলে মতলব মুঝে থোড়া বুরা ভি লাগ রহা ভাই লোক বেঠে बट एक चीज़ बोलूँगा कि आप कभी भी जिंदगी में कहीं जाए ना जाए, बट बांग्लादेश में जरूर एक बार आए। वो हमारा एक वो था 1971 में जो हमारा डिवाइडेशन के बाद हो सके, बॉर्डर थोड़ा सेपरेशन हो गया, स्प्लिट हो गया, बट जो हमारा जो भाईचारा का रिलेशन आज तक भी है वो आप मेरे वीडियो के थ्रू देख पा रहे हो। तो बस इतना बोलूँगा, मैं खाना शुरू कर रहा हूँ, खाना खा के बात कर रहा हूँ। ओके गाइस खाना खा के मैं आ चुका हूँ। आने के बाद ये कोका कोला डाइट कोक, मतलब मैं खाने के लिए बार बार मना कर रहा हूँ, बट स्टिल मतलब क्या बताऊँ मैं। आप सोच सकते हो मेरा पेट पूरा फुल है, जोर जबरदस्ती दो तीन बार चावल दे के मुझे खिलाया, उसके बाद कोक फटाफट लेके आया। और भाई लोग वहाँ पर बैठे हो, मगर चावल भी नहीं खाया मेरे साथ, कोक भी मेरे से शेयर नहीं करेंगे। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, मुझे पैसे भी नहीं दे, मतलब पैसे भी देने नहीं दे रहे। सो गाइस फाइनली टाइम हो चुका है 6:30 PM शाम का, 3:30 से हम उस दुकान वाले में बैठे थे। और बाकी सबीर भाई का सारे दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं। ये सर भाई आपका नाम एक बार इंट्रोड्यूस भाई। मेरा नाम आकाश है। आकाश भाई मास्क खोल दो, कोरोना तो नहीं चल रहा अब तक, देखो। आकाश? हाँ भाई आकाश है। आकाश मेरा फुल नेम है, आकाश का नाम अभी मेरा सारा नाम है आकाश। ओके, और तो भाई को तो जानते हो। और ओके अभी इसके ये क्या बोलते इसको, खानजान अली मजर शरीफ। लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं मोस्टली, मोस्टली यहाँ पर माथा टेकने आते हैं लोग। नायक शाहरुख खान, सलमान खान, फतला खान, टिकटकार, बेस्ट डिविल। हाँ ठीक है, तुम्हारे हाथों से रिश्ता हमारे बखन कान तो लाई दे टिकटकार।
दाँत दे रहे थे जिन बोले दाँत में अरे हाशी अरे हाशी अरे हाशी ये तो मुझे चाहिए সবাই আসো তোমরে মে মারো লাই আমি টাইম হ্যাঁ मैं दिखा देता हूँ टाइम कितना टाइम भाई सारे ना देख सकते हो टाइम 9:44 और डिनर हो चुका है डिनर मैं दोपहर का कुछ दिखाया जहाँ पर सामने तालाब था वो तालाब वहाँ पर मैं आज रात सोने वाला हूँ और बाकी भाई लोग सिर्फ सिर्फ मेरे वजह से नहीं गए थोड़ा टाइम पास कर रहे उसके बाद मैं रात को सो जाऊँगा ये लोग चले जाएंगे और बाकी यही है थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे थे हम बैठ के थोड़ा हैंग आउट कर रहे थे भाई के भाई लोगों के साथ देख सकते हो भाई लोग यहाँ पर रात को मैं यहाँ पर सोने वाली मैट पे मैं सोने वाला हूँ और बाकी अगर रात को अगर बारिश बारिश हो जाएगा तो बैकअप प्लान भी है मेरे पास भाई के शॉप के सामने मैं सो जाऊँगा बाकी यही है आज का वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कर देना और अब तक मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते वो भी कर देना आपको नीचे शो कर रहा होगा और मिलते हैं किसी और ब्लॉग के तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर आप लोग बोलो तब तक के लिए बाय बस टाइम है 12:44 ये बांग्लादेश टाइम है और इंडिया आधे घंटे पीछे चलता है तो थोड़ा सा अपडेट देना था मैं कुछ देर पहले मैंने अब्दुल्ला भाई से मैंने कॉल किया था तो मुझे थोड़ा पानी की ज़रूरत है मुझे पता नहीं था यहाँ पर आसपास कहाँ पानी मिलता है तो उन्हें लिटरली घर से आके मुझे यहाँ से अराउंड 2-3 किलोमीटर घर है भाई का खुद बाइक चला के खुद आके अंधेरे रात में मुझे ये वाला बड़ा वाला पानी बोतल ख़रीद के ये वाला यहाँ पर फ्रेश बंगाली में लिखा होता है और यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा होता है फ्रेश ये वाला पानी मुझे देखे गए मैं थोड़ा हैरान हूँ कि लोग यहाँ पर कितने मतलब फ्रेंडली उसके साथ कितने मतलब एक फॉरेनर उसको कितने अच्छे तरीके से देखते हैं और उनका कितना ख्याल रखते हैं मुझे मैं सच में बहुत हैरान हूँ और बाकी मैं उसी मस्जिद में हूँ और यहाँ पर फ़िलहाल अभी तो ऑलमोस्ट कोई नहीं है यहाँ पर पूरा सुनसान पड़ा है और मुझे हल्का हल्का सा थोड़ा ठंड लगने लगा क्योंकि यहाँ पर इस साइड जो तालाब है लेक है इस साइड से हल्का हल्का हवा आ रहा है बट ये बस यही बताना था आपसे तो मिलते हैं कल सुबह अब तक बाय गुड नाइट